Hello, my lovely student. This is Imansi Agrawal and welcome back to our session. So today we are going to continue with exercise 8.1. So once you look at three the questions we have already completed, now it's time to move forward in the exercise and do the rest of the questions. So today in this session, we'll be doing question number four and five. So let's get started. So if you are new to this channel, let me tell you that here in this channel, you will be getting all CBC updates, quick solution to NCRT class, 9th and 10th mathematics. Previous year question practice for 10th as well as 9th. Uh, class based on the previous questions uh, which you know might come uh, so for that please subscribe the channel and hit the like button and share among your friends so that most of the people can get advantage so here in the question number 4 it is given that 15 cot 15 cot A is equals to 8 we need to find the value of sine A and second okay so we have 15 ट ए इज इक्वस टू एट जहां से हम क्या लिख सकते हैं किसी भी एंगल के बिहाट ऑलर रेशियोज ऑन बेसिस ऑफ दैट ठीक है आपको पता है कि कॉट ए का रेशियो क्या होता है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है किसका टेन का इतना तो क्लियर है सबको है ना सो so, हम जल्दी से क्या करेंगे एक ट्राइंगल बना लेंगे पहले

उसके लिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग से इसको क्या करेंगे हम 15K लैट कर लेंगे। आपको पता है है? बाय यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम हम क्या लिख सकते सकते है? हैं हैं, की वैल्यू फाइंड कर ठीक स्क्वायर प्लस बेस परपेंडिकुलर कितना 8K. 15 का कितना होगा 225 होता है आप सबको पता होगा ठीक है 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 ये हो जाएगा 64 k स्क्वायर इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 एंड 4 हो जाएगा 9 2 एंड 6 हो जाएगा 8 और ये जाएगा 2 289 k स्क्वायर अब देखते हैं ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है सो so, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का 17 का स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है 7 7 49 7, 7 4, फिर हो जाएगा गया ये और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवनटीन के इसका ये कितना हो जाएगा सेवनटीन के ठीक है अब उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बस आपको रेशियो लिखने हैं और उसको उसके रेशियोज आपको नोट करते जाते हैं ठीक है सो इट इज फॉर द साइन ए एंड साइन ए का रेशियो क्या होता है पहले आप ये बता दीजिए तो नहीं पंडित भद्री प्रसाद साइन ये होता है कॉज और ये होता है टेन और इसी के रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा कॉट मतलब कॉर्ट हो जाएगा बेस ऑफ पांडिकुलर ठीक है जैसे हमने भी लिखा ये हो जाएगा Sec, और हो जाएगा cosec, so हमने क्या पूछा साइन और को सेको साइन हो जाएगा पी h अपॉन बी ठीक है सो वी कैन राइट इट एज साइन ए whereas अपॉन a ए विल बीवस टू hypotenuse अपॉन बेस ठीक है यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दो जाएगा फिफ्टीन के और हाइपोटेनस कितना है 17 और बेस कितना है एट के अगेन के से के कैंसिल हो गया आंसर, आंसर कितना है सेवनटीन अपॉन एट एन दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सो क्वेश्चन फाइव कुछ कुछ वैसा ही है क्वेश्चन फोर्थ की तरह बस यहाँ पे आपको क्या करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है ठीक है एक रेशो दिया हुआ है बाकी बचे हुए फाइव को आपको कैलकुलेट करना है ठीक है सबसे पहले हमारा वही रहेगा हम देख लेते हैं सेक्टीटक होता क्या है सेक्टा किसका रेशियो होता है अपॉन बेस का होता है और ये कितना गिवन है थर्टीन अपॉन ट्वेल्व गिवन है जा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल एक बना लोगे जल्दी से एक परपेंडिकुलर ठीक है

हर हर भोले ठीक है और सारे नेम्स लिख लेते हैं क्या है हमारे पास साइन थीटा कैलकुलेट करना है कॉस थीटा कैलकुलेट करना है टेन थीटा कैलकुलेट करना है थीटा कैलकुलेट करना है और कॉस थीटा ठीक है साइन थीटा कितना होता है पर अपॉन हाइपोटीनियस और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है फाइव के और हाइपोटेनियस कितना है थर्टीन के आंसर कितना हो जाएगा फाइव अपॉन थर्टीन कॉस्टा कितना होता है कॉस्टिटा जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल ही होता है है upon base. ठीक है ना अपॉन बेस ठीक सॉरी ये तो बेस अपॉन हाइपोटीनियस होता है और सेक होता है अपॉन बेस तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा हमारा है ना सो आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटीनियस और बेस कितना है

रेशियोज ठीक है चलिए सो so, आज के सेशन के लिए इतना ही अगले, अगले सेशन में मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग एंड कीप सेफ एंड कीप हेल्दी सो बाय बाय स्टूडेंट्स